दुर्योधन को उसके नाम से पुकारने का अधिकार सिर्फ लाल बिहारी को है, उसके गुलामों को नहीं। समझा? कह देना कि मैं तैयार होकर आता हूं। सुमन घर पर है, इसीलिए तो तुम आई हो, वरना जब तक हम अकेले थे तुमने हाल भी नहीं पूछा। अरे कभी अपनी सहेली के भाई के लिए भी तो थोड़ा वक्त निकाल लिया करो। तुमने मेरी बात का जवाब नहीं दिया। तुम्हारे बात का जवाब किसी भी शरीफ लड़की का थप्पड़ दे सकता है, लेकिन मैं तुम्हें जलील करके अपनी सहेली को रुसवा करना नहीं चाहती। बस उमा, यूं समझ, नजरें मिली और दिल खो गया। पता नहीं अब कभी मुलाकात होगी या नहीं। वो हीरो तेरी फुफेरी बहन की शादी में आया था, राइट? राइट। वो दूल्हे के साथ साथ था, यानी कि वो लड़की वालों की तरफ से आया था, राइट? अरे राइट की बच्ची, ये सब तो मुझे भी पता है। ये बता कि उससे मुलाकात कैसे हो सकती है? बताती हूँ। तो दिल का कागज ले, प्यार का कलम बना और अपने आंसुओं की स्याही से अपने फुफेरी बहन को लिख कि तेरी शादी में तेरे मियाँ के साथ जो हीरो था वो कौन था, वो कहाँ से आया था, उसका नाम पता क्या है। बस पोस्टमैन, ये सुमन आपका नाम है जी? ये आपका लेटर। कंचन रावत। प्यारी बहन सुमन, तेरे खत का जवाब लिख रही हूँ। तू जिसके लिए बेकरार है वो भी तेरे लिए उतना ही बेचैन है। बहुत प्यारा लड़का है राजू, उसका नाम पता लिख रही हूँ। जल्दी से अपने दिल का हाल लिखकर भेज दे। गुड लक, तेरी बहन कंचन। नमस्ते माजी। नमस्ते। भाग तो ऐसे रही है जैसे कोई खजाना हाथ में है। ऐसे ही कुछ है। क्या जी? कुछ नहीं, कुछ नहीं। उमा घर में है? हाँ है। तू बैठ, मैं बाजार से आती जी। बाय बाय। ये लो, सूरज सर पर चढ़ गया और ये महारानी अभी तक सो रही है। उमा उठ, उमा। बड़ी तेज है रे तू। फुफेरी बहन की शादी में किसी को दिल दे बैठी और यहाँ आई तो मेरे भाई पर डोरे डाल दिए। भाई? अरे हाँ, ये मेरा भाई है राजू। 15 साल बाद आया है, मामा जी के पास पढ़ने गया था। सुबह 4 बजे आया है इसलिए अभी तक सो रहा है। ये वही राजू है? वही राजू नहीं, यही राजू है। जी तो चाहता है कि तुझे इस पंचिंग बैग की जगह पर लटकाकर तेरे जिस्म पर घूसों की बारिश कर दूं। देखिए भाई साहब, आपको कोई गलतफहमी हो रही है। गलतफहमी नहीं, पूरी जानकारी है। 15 साल के बाद तू अपने मामा के घर से लौटा है, 1 हफ्ते से इस मोहल्ले में घूम रहा है और तुझे मुझसे मिलने की फुर्सत तक नहीं। यार हफ्ता कैसे गुजर गया पता ही नहीं चला। पता चला तो सिर्फ इतना कि मेरा वो दोस्त जिससे स्कूल का बैग नहीं उठाया जाता था, 6 फुट का हट्टा कट्टा जवान हो गया है और जिसके एक घूसे से दीवार में छेद हो जाता है। यार तू करता क्या है? हड्डियां तोड़ता हूं। क्या? चला तुझे दिखाता हूं। Yeah, 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 yeah.
क्या देख रहा है यार? शक्ल तो तेरी बिल्कुल महाभारत के अर्जुन जैसी है, लेकिन कर्म बिल्कुल दुर्योधन जैसे। लेकिन तूने तो कहा था तू हड्डियां तोड़ता है, यहां तू हड्डियां तोड़वा रहा है? मुझे हड्डियां तोड़ने और तोड़वाने दोनों के पैसे मिलते हैं। पैसे मिलते हैं? हाँ। कौन देता है? वही जो तोड़ने के पैसे देता है। अच्छा, तो इसका मतलब है कि कलयुग के इस दुर्योधन के साथ भी कोई शकुनी मामा है। अरे भांजे, कितनी बार कहा फटका मत मार मत मार, छींक आती है। ये देखो जय बजरंग बली, तोड़ दुश्मन की नली। वो तो टूट गई समझो। तो आइए सीने से लग जाइए। हमारे सीने से लग के कोई फायदा नहीं होगा। वो दिल से दिल नहीं मिलेगा। ये जो पेट है ना ससुरा, ये बीच में आ जाता है। आपकी यही बातें तो दिल को मोह लेती हैं। आप जौहरी बाजार में जाके पूछे ना, मैं हर एक से कहता हूँ कि आप कितने ईमानदार नेक अच्छे। हमको गाली नहीं देना, कह देता हूँ शरीफ आदमी नहीं कहना, हम बहुत हरामी चीज हूँ, समझे ना? काम की बात कर। प्यारी सेठ, कालिया हर हफ्ते गले पर अंगूठा रखकर हफ्ता बढ़ा देता है, तू मुझे गटर में फेंक दो। धीरे से काहे को बोलता है रे, हम का ससुरा डरता हूँ किससे? जोर से बोल। बहरी सेठ, कालिया को मारने का इंतजाम सिर्फ आप कर सकते हैं और इसके लिए मैं आपको 10,000 रुपए दूंगा। एक साल से यहाँ ही झक मार रहे हो, कंपटीशन में हिस्सा लेने लायक नहीं बने ना, तो यहाँ पर तुम्हें लटका दूंगा, छोड़ूंगा नहीं। देखो भाई, लाखों रुपया खर्च करता हूँ तुम लोगों पर, आराम का पैसा नहीं आता हमारा, इधर का पसीना इधर तक आता है कमाने में। हाँ सेठ, क्या कह रहे थे तुम? जी मैं ये कह रहा था कि कालिया को मरवाने के लिए मैं आपको 20,000 रुपए तक दे सकता हूँ। छोड़ के नाती, एक आदमी मारने का तैयारी हो रहा का मच्छर मारने का, मार दे घन और कर दे चित। ए तू यो ये भैया, ये का ट्रेनिंग दे रहा है तू है? ये जरा सिखा इनको, नहीं तो ससुर के नाते कंपटीशन में हमारे कपड़े बिकवा देंगे, नंगे भेजोगे का बिहार। हाँ से क्या कह रहे थे तुम, ठीक से सुने नहीं? जय बजरंग बली, जय हनुमान ज्ञान सागर जी। वो इस काम के लिए व्यापारी 50,000 भी दे सकते हैं। महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवास सुमति के संगी कंचन वर्ण विराज सुवेश 1,00,000 और ध्वजा विराजे कांधे मुज्जने उसाजे शंकर सुवन केसरी नंदन। 1,00,000 काम के पहले, 2,00,000 काम के बाद। जय भोले शंकर। जय भोले शंकर। काय रे जाड़िया, धार देखता है? अरे धार साला पत्थर पे खिस खिस के नहीं बनायला है, बल्कि तेरे जैसा हरामी लोग का आतड़ी काट काट के तेज खेला है। क्या कालिया भाई, मुझे गलती हो गई, मुझे क्षमा कर दो। जय भोले शंकर, ये पापी पाप खुद किया, क्षमा मांगने तेरे भगत के पास आ गया है। पहले वह चोटी वाले भैया को सुपारी देता है। अरे वो चोटी वाले भैया का तो चोटी काट के अपन झाड़ू बनाएगा, लेकिन उसके पहले साला अपन तेरे को खलास करेगा। अपन सिर्फ प्रसाद खाता है। साला चाड़िया, ये गटर देखा, ये गटर का मुंह आप उनकी खोली में खुलता है, और इसका तुम किधर है उसका साला पुलिस तक को पता नहीं है। अभी तक साला 99 लोग को काट के इस गटर में फेंकेला है, आज तेरी बारी है।
वाले जा कुतरिया, अपन तुम सबको भी गॉड की इसी कटर में डालेगा क्या? भौंक रहे हो भैया? आवारा कुत्तों को देखकर ये ऐसे ही भौंकता है। आवारा कहा, हमारे गले में तो आज भी आपकी सागिर्दी का पट्टा पड़ा हुआ है। हम तो आज भी आपको अपना गुरु मानता हूँ। बड़ा अच्छी जगह निवास स्थान बनाया है और खूब तैयार किया है अपने बेटे को। क्यों ना हो, तजुर्बे की भट्टी में तपकर कुंदन ही बनेगा ना। लोमड़ी के मुंह से शराफत का राग अच्छा नहीं लगता। काम की बात कर, काम की बात। सुना है आप इस बार अपने सपूत को पैर पैंतरा कंपटीशन में हमरे खिलाफ उतार रहे हैं? ठीक ही सुना है। दुश्मन को उसके घर में घुसकर मारने का मजा ही कुछ और होता है। अरे जिद की आग पर दुश्मनी की हंडिया पकाने से का फायदा ठाकुर साहब? हमरे अखाड़े में खिलाड़ियों पर दाव लगते हैं। अगर आपका लाडला हमरी ओर से लड़ेगा, हमरे पक्ष में लड़ेगा, तो बड़ा खुलकर दाव लगाऊंगा। पैसे का लालच तुम जैसे दलालों को होगा। जो मासूम खिलाड़ियों को दौलत की लालच से गुमराह करके उनकी जिंदगी और मौत को दांव पर लगाकर अपनी तिजोरियां भरते हैं, ये मार्शल आर्ट जिसे हमारी संस्कृति ने जन्म दिया था, आज दूसरे मुल्कों की शान बन गया है। लेकिन अफसोस, ये फन हमारे ही मुल्क में एक लावारिस बच्चे की तरह है जो अपना भविष्य तलाश कर रहा है। मैंने अपना खून पसीना एक करके इस कला का एक मंदिर बनाया था ताकि इसके चाहने वालों की खिदमत कर सकूं। लेकिन तुमने इस मंदिर को मुझसे छीन कर इसकी बुनियादों को खोखला कर दिया और इसे जुए और बदमाशी का अड्डा बना दिया। तुम्हारी इन्हीं हरकतों से तंग आकर मैंने अपने बेटे को तुम्हारे खिलाफ तैयार किया है ताकि वो इंसाफ की तलवार बनकर तुम्हारे जुर्म का खात्मा कर दे। जागती हुई आंखों का ख्वाब कभी पूरा नहीं होता ठाकुर साहब। ये ख्वाब बहुत जल्द हकीकत में बदल जाएगा बिहारी। वो दिन दूर नहीं कि जब मेरा बेटा हजारों की भीड़ में तुम्हारे खिलाड़ियों को गाजर मूली की तरह काट कर रख देगा। तो आप भी सुन लीजिए ठाकुर साहब, अगर तुम्हारे लाडले ने इस कंपटीशन में हमरे खिलाफ हिस्सा लिया तो ये उसकी जिंदगी का पहला और आखिरी कंपटीशन होगा। नमस्ते। धन भाग हमारे कि आपके चरण पधारे। लेकिन आप यहाँ कहाँ विराज रही है, वहाँ चलिए ना। जी नहीं, करीब से देखने में मजा आता है। वही तो कह रहे हैं हम।
करीब से ज्यादा मजा आता है, चलिए ना। नहीं शुक्रिया, मैं यही बैठूंगी। जी मालिक। इनका ख्याल रखिएगा। अच्छा। हमारे खास मेहमान है, इनको कोई तकलीफ हो ना तो तुझे तकलीफ होगी। जी मालिक। बिराजिए ना।